हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आप में से बहुत से लोगों ने टरबाइन आज तक देखा नहीं होगा। आज मैं आपको एक पावर प्लांट की खुली हुई टरबाइन दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक पावर प्लांट में खुली हुई टरबाइन किस तरह दिखती है, एक खुली हुई टरबाइन का इम्पल्स स्टेजेस किस तरह दिखते हैं, रिएक्शन स्टेजेस किस तरह दिखते हैं, नोजल किस तरह दिखता है यानी कि फिक्स्ड ब्लेड्स किस तरह रहते हैं, किस तरह दिखते हैं। इसके अलावा ग्लैंड सीलिंग सिस्टम भी दिखाने वाला हूँ। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखने वाली हैं और आप जानने वाले हो तो आपको आखिर तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग, मैं हूँ अभी स्काई अलॉयस एंड पावर में, जो कि रायगढ़ में है, और मेरे सामने है एक 16 मेगावाट की टरबाइन। जी हाँ भाई लोग, ये एक 16 मेगावाट की टरबाइन है जो कि अभी खुली हुई है। ये प्लेट में आप देख सकते हैं इनलेट प्रेशर, इनलेट टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन मकसद ये है कि हमें देखना है कि रोटर कैसा दिखता है, फिक्स्ड ब्लेड्स कैसे दिखते हैं, आखिर बैरिंग कहाँ पर होती है, ग्लैंड सीलिंग सिस्टम कैसा दिखता है, यह सब इस वीडियो में आप आगे चल के देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं इस पावर प्लांट में एक टरबाइन खुली हुई है, आखिर ये दिखती कैसे है। सबसे पहले यह देखते हैं, ये एक छोटी सी टरबाइन है, 16 मेगावाट की टरबाइन है। इसमें ज़्यादा ब्लेड्स नहीं है, मात्र 13 ब्लेड्स हैं, 6 इम्पल्स स्टेज हैं, 7 रिएक्शन स्टेज हैं। सामने में जो आप बॉक्स देख सकते हैं, इसमें ट्रस्ट बेयरिंग और जनरल बेयरिंग दोनों हैं। उसके बगल में आप ग्लैंड सीलिंग सिस्टम देख सकते हैं। जी हाँ भाई लोग, यही है लिब्रिंथ सीलिंग। आप लोग, बहुत से लोग जानना चाहते थे कि लिब्रिंथ सीलिंग आखिर कैसी दिखती है, तो आप लोग देख सकते हैं फिन्स जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बता चुका है कि यह सीलिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है और इसमें स्टीम भेजी जाती है। आप इस टरबाइन के इम्पल्स स्टेजेस को देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टरबाइन के शुरुआती स्टेजेस इम्पल्स स्टेजेस रहते हैं। टरबाइन के शुरुआत में इम्पल्स टरबाइन रहती है, तो यह है इम्पल्स स्टेजेस। 6 इम्पल्स स्टेजेस हैं, गिन सकते हैं आप। 4 सामने की तरफ हैं, 2 पीछे की तरफ है, 6 इम्पल्स स्टेजेस हैं इस टरबाइन में, जबकि 7 रिएक्शन स्टेजेस हैं। आप गिन सकते हैं, 7 रिएक्शन स्टेजेस आपको नज़र आ जाएंगे, और उसके बाद स्टीम एग्जॉस्ट हो जाती है। यह इस प्लांट के जीएम हैं, बीओई भी हैं, विवेक दुबे जी, जिन्होंने परमिशन दी है हमें वीडियो बनाने की। यहाँ से स्टीम एग्जॉस्ट हो जाती है। तो यही है भाई पूरा रोटर का पार्ट। अब हम चलते हैं केसिंग के पार्ट की तरफ, यानी कि अब हम देखते हैं कि आखिर फिक्स्ड ब्लेड कैसे दिखते हैं। इस इमेज में आप राइट की तरफ में ग्लैंड सीलिंग सिस्टम के फिन्स देख सकते हैं जो केसिंग में लगे हुए हैं। ये केसिंग की पीक है, और लेफ्ट साइड में आप इम्पल्स टरबाइन के नोजल देख सकते हैं, फिक्स्ड ब्लेड्स देख सकते हैं। यह रिएक्शन टरबाइन के फिक्स्ड ब्लेड्स हैं यानी कि नोजल्स हैं। यह केसिंग में फिक्स्ड रहते हैं जैसा कि आप जानते हैं। ये एक और पिक है, इसमें आप देख के समझ सकते हैं नोजल कैसे होते हैं, ब्लेड्स के जैसे ही होते हैं। और ये कुछ और पिक्स हैं, रोटर की पिक्स हैं, ग्लैंड सीलिंग सिस्टम में लिब्रिंथ सीलिंग की पिक्स हैं, देख लीजिए लिब्रिंथ सील को, और कुछ टरबाइन के रोटर के ब्लेड्स की पिक्स हैं। बस यार, यही थी कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इसके अलावा बहुत बहुत थैंक यू स्काई अलॉय एंड पावर के जीएम विवेक दुबे जी का, जिन्होंने परमिशन दी ये वीडियो बनाने के लिए। तो भाई लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ भाई लोग, अगर आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो है, या फिर आप भी अगर पावर प्लांट में काम करते हैं, आप भी कुछ नॉलेज स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मेरी ईमेल आईडी में आप वीडियोस भेज सकते हैं, और जो भी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं वह शेयर कर सकते हैं। तो भाई लोग, यही थी कुछ बातें जो आज मैं आप लोगों से करना चाहता था, कुछ चीज़ें दिखाना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा टरबाइन कैसी दिखती है, ग्लैंड सीलिंग सिस्टम कैसे दिखता है, नोजल कैसे दिखता है, वगैरह वगैरह। अगर समझ में आया, ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करना बनता है भाई लोग, लाइक जरूर कर देना।
इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मैकेनिकल वालों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है भाई लोग। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको इस चैनल में नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।